क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन ऑफ अ मूविंग बॉल विद अनादर स्टेशनरी आइडेंटिकल बॉल हमारे पास क्या है एक बॉल दो बॉल है एक हमारे आइडेंटिकल है दोनों बॉल आइडेंटिकल है, है क्वेश्चन में गिवन आइडेंटिकल एक बॉल हमारा मूव कर रही एक है एक बॉल हमारा स्टेशनरी है इन टू बॉल्स Uh, तो मूव परपेंडिकुलर तो टू द कोलिजन हो रहा होगा तो ऐसा होगा हम मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से कोई एक बॉडी थी देखो जिसका मास अभी मान लेते हैं एम है ठीक इस बॉडी का मास एम है, हम लेते है कि इस तरह से ये वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही थी मान लेते हैं कि ये वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही थी तो जिस डायरेक्शन में बॉडी हमारा जिस लाइन लाइन पे मोशन मोशन कर रही दैट इज कॉल्ड द ऑफ देखो ये बॉडी हमारा इस तरह से एक लाइन पे मोशन करते हुए जा रही थी और ये हमारा कहलाएगा लाइन ऑफ मोशन जिस पे हमारा कर रही यहाँ पे हमने कहा कि चलो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी बॉडी रखी थी आइडेंटिकल बॉडी है सेम बॉडी है इस तरह से उसका भी मास सेम है लेकिन ये बॉडी अभी हमारा रेस्ट में ये बॉडी हमारा यहाँ पे रखी गई है दोनों बॉडी एक हमारा कैपिटल एम मास है दोनों बॉडी का मास कितना है कैपिटल एम है दोनों सेम बॉडी है एक मूव कर रही एक हमारा रेस्ट में है तो आप देखो कुछ देर बाद है हमारे पास जो देखो कुछ तरह से ये दोनों बॉडी क्या है ये बिफोर द कोलिजन वाला डायग्राम हो गया आफ्टर सर्टेन टाइम क्योंकि ये बॉडी हमारा मूव कर रही है देखो आके दूसरी बॉडी से कोलाइड कर जाएगी ये हमारा एम बॉडी थी ठीक दूसरी बॉडी इसके नीचे यहाँ पे रखी थी इस तरह से आके इस पॉइंट पे कोलिजन हुआ होगा देखो दोनों बॉडी के मासेस एम है क्लियर हो गया तो यहाँ से मासेस हटा देते हैं अब आप इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इसको अच्छे से समझेंगे कि बॉडी हमारा यहाँ पे था इस तरह से जब आगे बढ़ती हो जाएगी तो देखो एक ऐसा समय की बॉडी हमारा आके यहाँ पे कोलाइड करेगी ये हमारा हो गया कोलिजन वाला पॉइंट तो कह सकते दोनों जहाँ हैं दोनों बॉडी जहां पे कोलाइड कर रही है उस सर्फेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे तो दैट लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इंपैक्ट क्लियर हो गया लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है देखो यहाँ पे इसको हमने टू डायमेंशन मोशन क्यों कहा क्योंकि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या थे दोनों अलग अलग थे देखो इनिशियली पहली बॉडी थी वो हमारा इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी हमारा लाइन ऑफ मोशन हो गया और जो दूसरी बॉडी थी वो रेस्ट में थी ड्यूरिंग द कोलिजन देखो हमारे पास जो पहली बॉडी थी दोनों मासेस के मासेस क्या थे सेम पहली बॉडी आके दूसरी बॉडी से इस पॉइंट पे कोलाइड की और उस कोलिजन से जो सरफेस थी दोनों बॉडी का उससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इंपैक्ट अब हमें पता है कि जब कोलिजन होता है तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट हम मोमेंटम को और कानेटिक एनर्जी को कंजर्व करते हैं कब जब इलास्टिक कोलिजन होता है क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे हमारे पास इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा तो यहाँ से देखो जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट हम मोमेंटम को और कानेटिक एनर्जी को कंजर्व करते हैं ठीक अब हम कह सकते हैं कि देखो ये पहली वाली दूसरी बॉडी तो रेस्ट में थी पहली बॉडी देखो उसकी जो वेलोसिटी थी इनिशियली बिफोर द कोलिजन देखो हमारा हॉरिजॉन्टल था इस तरह से वी वेलोसिटी थी अब अगर देखो ये एंगल जो हमारे पास लाइन ऑफ इंपैक्ट है ये एंगल देखो थीटा एंगल बना रहा होगा तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो आफ्टर द कोलिजन वाला डायग्राम बनाओ आफ्टर द कोलिजन देखो यहाँ से देखो इसके अगर एक कंपोनेंट करोगे तो इस वी का एक कंपोनेंट अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट आएगा देखो यहीं पे कंपोनेंट कर लेते हैं देखो पहली बॉडी का इस तरह से एक अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट आ गया v cos थीटा अच्छा ये किसकी बॉडी का वेलोसिटी है देखो अभी हम ड्यूरिंग द कोलिजन बात करें तो ये वेलोसिटी पहली वाली बॉडी थी ठीक उसी की वेलोसिटी थी दूसरी बॉडी तो रेस्ट में थी तो देखो दूसरी बॉडी अभी भी रेस्ट में है इस मोमेंट में जब बॉडी दोनों कोलाइड की थी बट अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट देखो किस वेलोसिटी से कोलिजन हुआ होगा v cos थीटा वाली वेलोसिटी से कोलिजन हुआ होगा क्योंकि देखो इसी के अलोंग कोलिजन हुआ है तो अलोंग द कोलिजन ही देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कोलिजन होगा तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कौन सी वेलोसिटी है v cos थीटा ये किसका था हमारे पास v का एक कंपोनेंट था अच्छा इसका दो दूसरा कंपोनेंट होगा देखो तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ जाएगा वी साइन थीटा क्लियर हो गया तो यहां से हमें यह पता चला कि दोनों बॉडी

लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलावा दोनों बॉडीज अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेंगी तो यहाँ आ हमारे पास पहली बॉडी जिसका मास कितना था एम था यहाँ पे आ गया हमारे पास दूसरी बॉडी देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या था ये हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट था अगर इसको यहाँ पे बनाओ और सारा यहाँ पे जो खेल है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट का ही है देखो तो ये हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमने क्या कहा अगर दोनों बॉडी सेम है और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है देखो दोनों बॉडी के मासेस सेम कंडीशन दोनों बॉडी के मासेस सेम है यहां पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो आफ्टर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉडी अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेती है तो एक्सचेंज का मतलब पहली बॉडी अपनी वेलोसिटी दूसरी बॉडी को दे देगा ये लेते हैं हमारे पास पहली बॉडी थी दूसरी बॉडी थी तो पहली बॉडी अपनी वेलोसिटी दूसरी बॉडी को दे देगी दे और दूसरी बॉडी अपनी वेलोसिटी पहली बॉडी को दे देगी द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आफ्टर द कोलिजन ठीक तो यहाँ पे देखो हमने क्या कहा दोनों बॉडीज अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेंगी तो किस डायरेक्शन के अंग वेलोसिटी चेंज करेंगे अलॉन्ग लाइन ऑफ इंपैक्ट तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट पहली बॉडी के पास वेलोसिटी कितनी थी वी थीटा ये दूसरी बॉडी को दे देगा देखो दूसरी बॉडी रेस्ट में थी उसके पास वेलोसिटी कितनी आ गई वी थीटा अलांग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वेलोसिटीज चेंज होंगी ठीक अब दूसरी बॉडी के पास अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट देखो दूसरी बॉडी अभी भी रेस्ट में उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी द लाइन ऑफ इंपैक्ट इट मीस दूसरी बॉडी अपनी पहली बॉडी को जो वेलोसिटी देगा वो जीरो दे देगा क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट के दूसरी बॉडी के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं था क्लियर अब पहली बॉडी के पास सिर्फ अपनी खुद की एक वेलोसिटी बची थी तो परपेंडिकुलर वाली ये तो एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि देखो ये जो वेलोसिटी थी अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट नहीं थी तो ये वेलोसिटी हमारा एक्सचेंज नहीं होगा क्लियर दैट पे हम गलती क्या करते हैं इस वेलोसिटी को भी एक्सचेंज कर देते हैं ये बिल्कुल गलत है अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट वाली वेलॉसिटी हो आप को एक्सचेंज करना है और कोई भी वेलोसिटी को एक्सचेंज नहीं करना है तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट देखो पहली बॉडी के पास वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी थी v cos थीटा ये अपनी वेलोस्टी दूसरी बॉडी को दे देगा क्लियर हो गया देखो दूसरी बॉडी के पास वेलोसिटी कितनी होगी v cos थीटा अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट अब हमें यही तो प्रूव करना था कि आफ्टर द कोलिजन ये डायग्राम देखो आफ्टर द कोलिजन बोथ बॉडी विल मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर ठीक ये आफ्टर द कोलिजन का डायग्राम था अब यहां पे देखो आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो मूव कर रही है पहली बॉडी देखो वी साइन थीटा से इधर दूसरी बॉडी वी जा रहा है 90 यही हमें प्रूफ करना था तो प्रूव कर सकते हैं देखो, किस तरह से हो रहा पहली बॉडी देखो बॉडी थी वो इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी बॉडी यहाँ पे थी देखो ये दूसरी बॉडी थी दोनों आइडेंटिकल बॉडी थी दोनों के मासेस सेम थे देखो इस डायरेक्शन में जा रही है वी कॉस्थ थीटा से ठीक एक वी साइन थीटा से एक वी थीटा से दोनों के बीच में अगर एंगल देखो तो एंगल कितना है यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री है हेंस से हम कह सकते हैं कि आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉडी क्या करेंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रही होंगी और इंपॉर्टेंट बात क्या होगा कि जो भी हमारे पास वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा और लाइन ऑफ इंपैक्ट आपको समझना चाहिए लाइन ऑफ इंपैक्ट हमेशा जो कॉन्टेक्ट uh, सर्फेस होती है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे तो आपको लाइन ऑफ इम्पैक्ट मिल जाएगा यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर